राम राम भाभी। राम राम भाभी, मारो नाम राम बाबू है। हाँ। और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस राजगढ़ से आया हूँ। हाँ। तो आपका परिचय दोगे आप? मारो नाम कौशल्य। तो अब इसमें आप उसको जो विधि के बारे में बताओगे, किस प्रकार इसको लगाते हो आप, कैसे आप इस बीज को फेंकते हो, क्या क्या करते हो, इसके बारे में बताओ हमको। बीज लाते हैं। अच्छा, मार्केट से बीज लाते हो। हाँ। उसके बाद फिर बकर एड़ाते हैं। अच्छा, फिर बकर एड़ा के फिर बोते हैं, पानी निकालते हैं। अच्छा, तो पानी कितने दिन बाद निकालते हो उसमें? 8 दिन 4 दिन बाद। मतलब खेत रेट कर के पानी निकालना। मतलब आप पहले खेत तैयार करते हो? हाँ, तैयार करते। तैयार करने के बाद फिर क्या करते हो? सरिया बनाता है। अच्छा, फिर सरिया जो डाली बोनते हो उसको? हाँ, डाली बनाता है। उसके बाद फिर? फिर पानी पानी देते हो। हाँ। तो ये बीज फेंकने के पहले देते हो पानी या बाद में देते हो? पहले बीज फेंका। अच्छा, उस सूखे खेत में बीज फेंक? सूखे खेत में। और इसके बाद डाली बांध देते हो? डाली बांध दे। और फिर पानी निकाल देते? पानी निकाल दे। फिर क्या करते हो? पानी निकालने के बाद फिर क्या होता है इसमें? और कुछ? और सब समी कर दे रही गेल लगी। तो फिर कितने दिन बाद उग जाता है ये खेत से? 15-20 दिन बाद उगे। बोने के 15 दिन बाद बाहर निकलता है ये खेत से? हाँ हाँ, बाहर निकलते हैं। अब जो इतना बड़ा जो बीज हो गया आपका ये पौधा, अब इसमें गाजर जो लगने लग गई कि नहीं लगी अभी? लगने लग गई। अच्छा, इसमें गाजर लगने लग गई। तो ये कितने दिन का हो गया होगा लगभग? ये हो गया नहीं, 2-3 महीना का। 2-3 महीने। इसमें पानी कितना कितना बार दिन में देना पड़ता है? 8 दिन में, 15 दिन में। 8-15 दिन में इसमें पानी देना पड़ता हाँ। है। तो ये मतलब ये फसल जो आप लगा रहे हो गाजर की, अच्छी फसल है। हाँ। तो ये 15 दिन में आपको पानी देना पड़ता है। हाँ। तो इसमें क्या आप कितना बेच लेती हो इसमें, या फिर कितनी फसल हो जाती है लगभग? हो जा 4-5 हज़ार की, 10 हज़ार की, 8 हज़ार की हो सके। अपने पानी के ऊपर है, जितना पानी मिलेगा नहीं उतनी चीज मतलब जितना पानी इसमें देंगे उतनी उतनी फसल निकलती है। फसल निकलती है। अब जो ये 15 दिन 20 दिन की फसल हो गई, हाँ 20 दिन हो गया हो लगभग इसको, हाँ, तो कितनी बड़ी बड़ी इसमें निकल लग गई गाजर? इतनी बड़ी निकलने लग गई। भाभी, जो आपने ये फसल है अभी, लगभग अपनी फसल इतनी बड़ी अच्छी अच्छी मतलब हो गई है, हाँ, तो ये कितने दिनों की होगी, कब तक ये 2 महीने की होगी। ये फसल अपनी 2 महीने की हो चुकी है। हाँ। अब 2 महीने में ये कितने बड़े इसमें गाजर लगने लग गई? ये इतनी बड़ी होगी। अच्छा, गाजर इतनी बड़ी हो गई। हाँ, या पानी की वजह से, पानी की कमी है, पानी की कमी के कारण ही है। तो ये गाजर मतलब 2 महीने में इतनी बड़ी हो जाती है। अब कितने दिन बाद और बड़ी हो जाएगी लगभग ये? और हो जाएगी ना, अभी तो, अभी तो और बढ़ेगी इससे। हाँ, बढ़ेगी नहीं। हाँ। पानी तो मिल नहीं रहा। अच्छा अच्छा, पर अब देख लियो, अंदाज नहीं मिले, पानी तो खोद पर लग जाएगा। इतनी बड़ी इटेगी फिर भी मतलब इसको बाजार में बेचे तो बिक जाएगी, बिकेगी। तो इस प्रकार इसको आप लगाते हो? हाँ, जैसे और कहें। तो भाभी, इसके अलावा और क्या क्या करना पड़ता है इसमें, आप किस प्रकार का करते हैं? कहीं नहीं, इतना बड़ा हो जा पौधा। हाँ। और पानी निकाल के खाद फेंक देता है। अच्छा, इतना बड़ा पौधा होने के बाद? हाँ, फिर पानी तो, निकालते हाँ, हैं। तो पानी निकालने के बाद फिर उसमें बड़ा हो जा खाद फेंक देते हैं? हाँ, खाद कौन सा खाद फेंकते हैं इसमें? यूरिया। यूरिया फेंकते हैं। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या होता है कि पौधा जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी बड़ा हो जा, गाजर पड़ जा। अच्छा, वो गाजर उससे बड़ी बड़ी लगने लगती है। अच्छा अच्छा, और भाभी इसमें कुछ दवाई वगैरह की जरूरत नहीं लगती है? दवाई ववाई तो नहीं लगती है। अच्छा, दवाई के मतलब इसमें कोई रोग नहीं लगता है? नहीं लगे, गाजर में रोग नहीं लगे। अच्छा ठीक। भाभी, इसके अलावा और अपने उसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? कुछ नहीं रखती है, पानी निकाल दो। हाँ। फिर उसमें पैर नहीं मचना चाहिए। अच्छा, पैर पानी निकालने के बाद अपने को नंगे पैर उसके खेत में नहीं घुसना? हाँ, और ज्यादा खाद नहीं डालता है। अच्छा, खाद भी कम डालना चाहिए। हाँ। इसके अलावा और ज्यादा सांगनी नहीं फेंकना चाहिए, सीधी सीधी फेंकना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं फेंकनी। हाँ, ज्यादा फेंक दो तो भी कम पड़े फिर। अच्छा, गाजर मतलब पास में होती है गाजर तो कम फूलती है। हाँ, सीधी रखना चाहिए और सीधी फेंकनी चाहिए। हाँ। इसके अलावा और कुछ जैसे कि पानी वगैरह, दवाई वगैरह की जरूरत? दवाई वगैरह नहीं, दवाई ववाई तो नहीं चाहते इसमें। पानी की जरूरत तो ज्यादा रहे। अच्छा अच्छा, पानी की कमी है। मैं ये भी सावधानी हो गई जैसे दी ऐसी गाजर रहेगी, पानी की कमी तो ही। भाभी, आपने इसकी सावधानी के बारे में हमको बताया। हाँ। तो इससे अपनों को लाभ क्या है? इससे लाभ यह है ना कि रोज खोद लिया। हाँ। रोज बेचे, चाय शक्कर का पैसा आ गया रोज। अच्छा अच्छा, मतलब यह रोज की आमदनी है? रोज की आमदनी। और इसमें पूंजी लागत वगैरह कम लगती है? कम लगती है। अच्छा, अन्य फसल से इसमें कम पूंजी लगती है। हाँ। हाँ भाभी, और क्या लाभ इसका? इसका लाभ यह है कि छोटी जमीन है। हाँ। उसमें अपना खर्चा चलता है। अच्छा अच्छा, और मतलब कम जमीन में भी अपना खर्चा निकाल देते हैं। हाँ, और यही लाभ। अच्छा, सौदा सूद चलते रहे।
हाँ डेली की आमदनी रहती है। हाँ डेली आमदनी रहती है। भाभी इसमें इस आपने जो मुझे बताया, सावधानी बताई इसकी और लाभ बताया, विधि बताई, अब इन सब बातों से आप अपने और अन्य किसान भाई जो हैं उनको इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? सब किसान भाई को कहते हैं कि गाजर बो, अपना कुल खर्चा चलता है। अच्छा इससे अच्छा खर्चा चलता है। हाँ और थोड़ी बो अच्छी बो। हमें और हमें अन्य किसान भाइयों को गाजर के बारे में अच्छी जानकारी दी। हाँ। इसके लिए आपका धन्यवाद। जय राम जी।